यहाँ पे हम लोगों का सेटअप तैयार हो चुका है और हम लोग करते हैं यहाँ पे टाइपिंग और अपने टाइपिंग स्पीड को बढ़ाते हैं। पूरा सेटअप हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से सेटिंग किए हैं और यहाँ पे टाइपिंग हो रहा है। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है उत्सव और आप देख रहे हैं अनोन टेक्नोलॉजी उत्सव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोबाइल फ़ोन से टाइपिंग हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के पास अपना पर्सनल कंप्यूटर नहीं होता है या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं होता है, वो अपना टाइपिंग स्पीड किस तरह से बढ़ा सकते हैं मोबाइल फ़ोन का यूज करके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे नॉलेज वाले वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को एक कीबोर्ड परचेज करनी है, 200-250 रुपए वाली एक कीबोर्ड ले लेनी है और यहाँ पे आपको एक जैक मिल जाता है जो कि कीबोर्ड में रहता है, USB जैक। तो सिंपली ये हमारे मोबाइल फ़ोन में कनेक्ट तो होगा नहीं, इसके लिए हम लोगों को OTG यहाँ पे जो केबल है उसका यूज करना होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये OTG केबल है, इसको हम लोग अपने कीबोर्ड के USB जैक से कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद सिंपली इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला, इसको हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करेंगे जिससे मोबाइल फ़ोन हमारा सपोर्ट लेगा कीबोर्ड को। तो सिंपली यहाँ पे कुछ इस तरह से सेटअप तैयार करना है। अब हम लोग चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं कि क्या सेटिंग ऑन करनी है। तो फ्रेंड्स, सिंपली यहाँ पे हम लोगों को सेटिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना है। क्लिक करने के बाद सिंपली सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे हम लोगों को टाइप करना है OTG, मतलब कि यहाँ पे OTG यहाँ पे लिखना है और क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा OTG कनेक्शन का, उस पर क्लिक करके OTG कनेक्शन को आप लोगों को यहाँ पर इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद सिंपली अपने कीबोर्ड पर यहाँ पर हम लोगों को आ जाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अपने कीबोर्ड पर और यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि हमारा कीबोर्ड मोबाइल के साथ वर्क कर रहा है या नहीं। तो सिंपली ऊपर में आप लोगों को यहाँ पे लाइट मिल जाता है, तो इसलिए जो लाइट जलता है मोबाइल से जब कनेक्शन हो जाता है तो सिंपली यहाँ पे नंबर लॉक बटन को हम लोग प्रेस करते हैं तो लाइट जल रहा है। तो सिंपली यह हमारे मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पर कैप्स लॉक का एक ऑप्शन मिल जाता है, इसको भी हम लोग जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर लाइट ये जल जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो सिंपली कुछ इस तरह से हम लोगों का मोबाइल फ़ोन कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद सिंपली क्रोम को ओपन करना है और यहाँ पे आप लोगों को टाइप करना है ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट। ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट लिखने के बाद सिंपली यहाँ पे आप लोगों को जो नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी typingtest.com, तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ पर इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से नज़र आएगा। आने के बाद सिंपली यहाँ पर आप लोगों को नीचे आ जाना है और यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली सेव एंड एग्जिट पे आप लोगों को क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप लोग मिनट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे उसके स्पीड, मतलब कि आप नॉर्मल करना चाहते हैं, मीडियम टेस्ट देना चाहते हैं, इजी टेस्ट देना चाहते हैं, इस पे सिंपली आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली यह वेबसाइट आपको कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर नॉर्मली आप लोग कुछ भी टाइपिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।